नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल वीएस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में स्वागत है। और मैं आज आपके साथ में झटपट आलू की मसालेदार पूरियां तैयार करना बताऊंगी। आलू यदि बॉयल नहीं है तो कोई बात नहीं, उस झंझट में पड़िए भी मत। सबसे पहले हम जितना हमने आटा लेना है अपने आवश्यकता अनुसार आटा लेंगे और उसके अनुसार आलू ले लेंगे। तो मैं यहाँ ये दो आलू ले रही हूँ और इन्हें पील करके हम ग्रेट कर लेंगे। और इसमें आटे के अनुसार ही 2 चम्मच मैंने बेसन लिया है और 4 चम्मच मैंने सूजी ली है। इसमें हरी मिर्च, धनिया आप डाल सकते हैं, प्याज भी इवन कि आप अगर चाहें तो ग्रेट करके बिल्कुल बारीक करके आप डालेंगे, और अजवाइन और नमक, और हल्की गुनगुने पानी से इसमें 2 चम्मच ऑयल डाल करके या मोयम डाल करके आटे में फिर हम इसको गूंथेंगे। तो सबसे पहले अब हम आलू को पील करके और इसको ग्रेट कर लेते हैं, और ग्रेट जो है बारीक कीजिएगा, मोटा नहीं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एकदम बारीक इसमें ग्रेट कर लिया है और इसी के साथ मैंने मिर्च भी इसमें ग्रेट कर लिया है। सबसे पहले हम इसके अंदर बेसन, हमारी 4 चम्मच के करीब सूजी और सॉल्ट डाल लेंगे। सॉल्ट आप अपने आवश्यकता अनुसार, आपके स्वादानुसार इसमें डालिएगा। आप इसमें लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं नहीं करूँगी क्योंकि बच्चे नहीं खाते। अजवाइन आप इसमें थोड़ी सौंफ भी डाल सकती हैं। और इसमें 2 चम्मच के करीब हम ऑयल डालेंगे और ऑयल डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छी तरह से इसमें मैंने मिक्स कर लिया, और अब पानी के बनिस्पत पानी नहीं डालेंगे इसमें हम, और इसके अंदर डायरेक्ट हमारा जो हमने ग्रेट किया हुआ है इसको मिक्स करेंगे, और इसको जितना पानी है इसके अंदर उसके हिसाब से इसको मिक्स करेंगे। और फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो हम पानी इसके में अंदर हल्का गुनगुना पानी यूज़ करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसमें मसल लिया और अब हमें थोड़े पानी की ज़रूरत है, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अब हम इसको एक सख्त आटा गूंद लेंगे, पूरी जैसा आटा। देखिए फ्रेंड्स, अभी इसको हम हल्का ऐसा जैसा हम रोटी बनाते हैं ऐसा आटा गूंदेंगे, ताकि इसमें जो सूजी है वो अपना पानी ले ले, क्योंकि सूजी को फूलने में पानी चाहिएगा और ये सख्त डो तैयार हो जाएगा। अब इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इसको उघाड़ करके देख लेते हैं कि हमारी जो हमने डो तैयार किया था समोलिना और बेसन आटे का, देखिए अब इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं दोनों हाथ से और छोटी छोटी इसकी पूड़ियाँ बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा डो लेकर के फ्रेंड्स इस तरह से पूड़ियाँ बना लेंगे, और इसमें तेल या सूखा आटा लगा करके इसको बेल लेंगे। तेल लगा सकती हैं या सूखा आटा। देखो फ्रेंड्स, इधर अपना तलवार, हम अपना ऑयल देख लेते हैं, तैयार है। और इसमें पूड़ियाँ डाल डाल के इसको तल लेंगे। देखिए हल्का इसको प्रेस करेंगे, अगर ऑयल ठीक गर्म है तो आपकी पूरी जो है वो अच्छी और फूली हुई बनेगी। देखिए अब इसको पलट लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी पूरी तैयार है, बहुत अच्छी खस्ता पूरी और आलू की। इस तरह से हम अपनी सारी पूरियों को तैयार कर लेंगे। ये फ्रेंड्स हमारी पूरियां तैयार हैं। इस तरह से हम सारी पूरियों को बना लेंगे और इन्हें चटनी के साथ, दही के साथ, किसी के साथ खाइए, जब मन हो तब खाइए। ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, शाम को, दोपहर में, डिनर में बना सकती हैं। और यदि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।